मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एनर्जी और एंजाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म जो है दो रिएक्शन का एक योग है, जिसमें एक है एनाबॉलिक रिएक्शन दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। And in respiration, we say that the large molecule of glucose convert into carbon dioxide and water and large amount of energy is released, that is called catabolic reaction. In whole, we say that the anabolic and catabolic reaction are called metabolic reaction. These reactions are enhanced or catalyzed by some enzyme. So, enzyme are protein which enhance the rate of reaction. यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम मैनी केमिकल रिएक्शन इन द सेल आर लिंक्ड इन मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें हम बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन इज द रिएक्टेंट। एक होता है सबस्ट्रेट जिसे एस से शो करते हैं, एक होता है एंजाइम जिसे ई से शो करते हैं। जिस तरह एक बंद ताला सबस्ट्रेट है और एक चाबी एंजाइम है, दोनों मिलकर जब ताले चाबी आपस में मिल जाते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जब ये बंद ताला खुल जाता है तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बदल जाता है, और जब चाबी बाहर निकाल देते हैं तो एंजाइम और प्रोडक्ट यानी ये जो है ओपन लॉक है और ये जो था वो बंद ताला था, ओपन लॉक में बदल गया। एंजाइम ज्यों का त्यों रिएक्शन में बचा रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए जो है वो सबस्ट्रेट है, ई वन उसका एंजाइम है, बी सबस्ट्रेट है, ई टू उसका एंजाइम है, सी सबस्ट्रेट है, ई थ्री उसका एंजाइम है। पहली रिएक्शन में जहां हमने देखा ए सबस्ट्रेट है, ई वन एंजाइम है और बी प्रोडक्ट है, तो ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट। फिर जब दूसरी रिएक्शन देखेंगे तो ये सबस्ट्रेट है, ई टू उसका एंजाइम है और सी प्रोडक्ट है। फिर सी सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, ई थ्री एंजाइम उसे डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह एक से दूसरा केमिकल जो है वो बनता रहता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंजाइम कम कर देते हैं, जिस तरह से चाय पत्ती शक्कर दूध मिलाने भर से चाय नहीं बन जाती, उसके लिए हमको गर्म करना पड़ता है, तो इस तरह से एंजाइम भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम जो है कम कर देते हैं, और इस तरह ये जो गैप है ये गैप फिल हो जाता है, और जो रिएक्शन दो घंटे में हो रही थी वो रिएक्शन आप कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड में हो जाती है। सो एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द वेरियर, डिफरेंट वेरियर को वो रोक देता है। एंजाइम काम कैसे करता है, जैसा कि हमने बताया कि ताले और चाबी में जो उभार है, ताले में उभार जो है वो चाबी के जो गड्ढे हैं उनके द्वारा पूरित हो जाते हैं, और चाबी में जो उभार हैं वो ताले के अंदर उपस्थित गड्ढों से भर कर एक्टिव साइड से भर कर और ये रिएक्शन को अंजाम देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, पहले एंजाइम अलग था सबस्ट्रेट अलग था, दोनों ने मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर दोनों ने मिलकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, बाद में एंजाइम अलग हो गया प्रोडक्ट अलग हो गया। इस तरह के रिएक्शन ये कहलाते हैं एक्टिव साइड वाले रिएक्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉसलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो जैसे ताले चाबी जैसे हैं, इस तरह से ये जो गैप है इसको एक्टिव साइड कहते हैं, ये एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन हो जाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इस तरह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन के एंजाइम प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। बहुत से एंजाइम हैं और हर एंजाइम के आखिरी में सफिक्स के रूप में एज का प्रयोग होता है, जैसे लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है लाइपेज, स्टार्च को अमाइलेज, माल्टोज को माल्टेज, राइबोन्यूक्लिक एसिड को राइबोन्यूक्लिएज और लैक्टोज को लैक्टेज, आखिरी में एज लगने से ये सिद्ध होता है कि ये रिएक्शन ये एंजाइम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के काम को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, जब एंजाइम अधिक मात्रा में उपस्थित होगा तो सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह से
एक चम्मच दही, एक कप दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटे में दही में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे एक कप दही मिल गया, एक कप दही एक गिलास दूध को एक घंटे में दही में कन्वर्ट कर देगा। ये एक गिलास दूध आधा लीटर, एक गिलास दही आधा लीटर दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। तो दूध यहाँ पर सबस्ट्रेट है और जो एक चम्मच और एक कप जो दही है वो इसका एंजाइम है, और जो दही लास्ट में बन गया है प्रोडक्ट के रूप में तो वो उसका प्रोडक्ट कहलाएगा। दूसरी है एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर ना बहुत अधिक होना चाहिए ना बहुत कम, पीएच नॉर्मल पीएच होना चाहिए। बहुत से एंजाइम लो पीएच पर काम करते हैं तो उनको वैसा एंजाइम वैसा पीएच चाहिए, और बहुत से एंजाइम हाई पीएच पर काम करते हैं, अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं, तो उस तरह की परिस्थितियों में जो एंजाइम के लिए अनुकूल हों अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एंजाइम एक्टिवेशन और एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम ए से बी प्रोडक्ट को बनाने में जितना रोल प्ले करते हैं उतना ही बी से ए बनाने में, यानी एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों तरह का काम करते हैं, और एक और साथ में रहता है कोफैक्टर, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जनरली एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो मोर सबस्ट्रेट मोर एंजाइम मोर प्रोडक्ट, लेकिन एक मैक्सिमम रेट के बाद धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिव साइट हो जाती है कम, और उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। टेम्परेचर का मैंने बताया, हाई और लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम की रिएक्शन की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। दे आर प्रोटीन एंड दे आर डीनेचर्ड, और अब कोई रिएक्शन नहीं होती। उसी तरह जैसे जैसे लो टेम्परेचर होता जाता है रिएक्शन का रेट कम होता जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसलिए फ्रिज के अंदर जो सब्जियां हैं, फल हैं, दूध हैं, ख़राब नहीं होते, क्योंकि एंजाइम का एक्शन जो है वो बंद हो जाता है। तो टेम्परेचर पीएच कैसा चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। पीएच में डिस्टर्ब करने पर, नॉर्मल इंट्रैक्शन होने पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर, पीएच चेंज होने से भी हमारे जो प्रोटीन हैं एंजाइम हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। जनरली हम कहते हैं कि पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर 1 से 3 या 3 से 4 पीएच में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वहीं ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन मीडियम में 7 से 8 पीएच पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे शरीर में एसिडिक मीडियम भी चाहिए और अल्कलाइन मीडियम भी चाहिए, दोनों परिस्थितियाँ एंजाइम को काम करने के लिए अनिवार्य हैं। जहाँ तक एंजाइम एक्टिवेशन की बात है, सम एंजाइम डू नॉट नीड टू बी ऑलवेज एक्टिव, एंजाइम हमेशा एक्टिव नहीं होते, जब आवश्यकता पड़ती है शरीर में उस समय वो एक्टिव साइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंट्रैक्शन विद अनदर प्रोटीन और मॉलिक्यूल के साथ, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोटीन के कारण, और जब जैसे शरीर में मान लो प्रोटीन बनाना है उस समय जो एंजाइम रहेंगे, मान लो ग्रोथ और हार्मोन का एक्टिवेट करना है तो एंजाइम कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उनका एक्टिवेशन समाप्त हो जाता है। एंजाइम इनहिबिशन की बात करें, डिक्रीज द एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशन मीन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम बाय नो लॉन्गर अलाउइंग सबस्ट्रेट, यदि सबस्ट्रेट नहीं उपलब्ध, एक्टिव साइट जो है मौजूद है, सबस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, या एक्टिव साइट पूरी तरह फुल हो गई हैं, तो अब एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और एक निश्चित समय बाद वो बंद हो जाएगा। कुछ कोफैक्टर भी हैं जो जनरली विटामिन हो सकते हैं, कुछ मेटालिक आयन भी हो सकते हैं, ये एंजाइम के रेट को बहुत अधिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैनी एंजाइम नीड इनऑर्गेनिक आयन और ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। सो इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि जिंक या आयरन, इसको कोफैक्टर कहते हैं, और ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन ये कोएंजाइम कहलाते हैं जिसमें जनरली विटामिन्स रहते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण है कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेडिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये एंजाइम और एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।